जय गुरुदेव। काफिले की घटनाएं। कुआखाई उड़ीसा स्थान पर काफिला पहुंचा तो काफिले के ठहरने का स्थान अन्यत्र निश्चित था, पर गुरु महाराज उक्त स्थान के पहले ही एक विशाल बगीचे में पड़ाव डाल दिए। किसी को समझ में न आया कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसी मौज कैसे और क्यों की है। थोड़ी देर में बगीचे का मालिक आया और गुरु महाराज के श्री चरणों में गिरकर बताया कि बहुत दिन पहले, 23 वर्ष पहले, मैं अपना यह बगीचा बेचना चाहता था। उस समय एक महात्मा आए और उन्होंने मना किया कि तुम इस बगीचे को मत बेचो। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने 23 वर्ष पूर्व की यह बात बताया कि इधर से एक श्वेत वस्त्रधारी बहुत बड़े महात्मा गुजरने वाले हैं। वे बहुत बड़ा हुजूम लेकर आएंगे तो इसी बगीचे में ठहरेंगे। मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, तो मैं पेड़ ही बेच दूं? तो उन्होंने कहा था कि इन्हीं पेड़ों की छाया में ही तो वे विश्राम करेंगे। समय उन्होंने नहीं बताया था। मैं तब से आपके दर्शन की लालसा लिए इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा वो भाग्य है कि वह दिन 23 वर्ष बाद आया। तब प्रेमी सत्संगियों को समझ में आया कि गुरु महाराज की यह मौज क्यों हुई है। प्रेमी उस बगीचे के मालिक की बात सुनकर सबरी की कहानी याद करने लगे। धन्य हो गुरु महाराज जिनके दर्शन की लालसा में वह प्रेमी 23 वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा। सन 1971 के काफिले का हाल। दक्षिण भारत यात्रा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज से बहुत पहले मैं पैदल पगडंडी से छतरपुर की तरफ जा रहा था। मेरे साथ साथ राम गोपाल नामक साथी भी चल रहे थे। एक स्थान पर रुककर भोजन बनाया गया। जब तक भोजन बनता रहा और धुआं रहा तब तक तो मधुमक्खियां दूर रही। खाना बनाना समाप्त होते ही मधुमक्खियों ने आ घेरा। मैंने तो कंबल ओढ़ लिया। राम गोपाल पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वह भागता भागता पानी में जा घुसा। मक्खियां पानी को घेरे उड़ती रही, भागने का नाम न लें। मैंने सोचा किसी तरह राम गोपाल को बचाना चाहिए। पास में एक गूदड़ पड़ी हुई थी, मैंने उसमें आग लगाई और भांसता राम गोपाल के पास पहुंचा। उस गूदड़ के भांसने से राम गोपाल की बचत हुई और वहां से भाग निकले। दोनों आदमी पैदल ही आगे बढ़े। दिन में ठीक 2 बजे क्या देखते हैं कि ठीक सड़क के बीचों बीच एक शेर खड़ा है और टकटकी मारकर देख रहा है। मैं सोचने लगा, यह क्या पत्थर का बना है या क्या बात है? मैंने कहा, देखो राम गोपाल, यह क्या है? अब उसका हाल मत पूछो। वह बेचारा घबरा गया। मैंने कहा, राम गोपाल जोर से शंख बजाओ। शंख की आवाज सुनते ही शेर ने लंबी छलांग मारी और सर से भागा। अपने बालकाल के इन संस्मरणों को सुनाकर स्वामी जी महाराज ने भोपाल का रास्ता पूछा और आगे चल पड़े। एक दिन की घटना ने लोगों को चकित कर दिया। एक बूढ़ी माई गांव की अपने लड़के के साथ मैदान में बेर का ढेर लगाकर बैठी बेच रही थी। स्वामी जी महाराज कार से जा रहे थे। एकाएक वहाँ गाड़ी रुक गई और उतर पड़े। बूढ़ी माई से पूछा कि बेर का ढेर कितने का है? यह कहकर एक बेर स्वामी जी महाराज ने चखा। सत्संगियों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज 12 रुपये। तो प्रेमी ने रुपया तुरंत दे दिया। स्वामी जी महाराज कार की तरफ लौट पड़े और बेर को, जो अब स्वामी जी महाराज के स्पर्श से प्रसाद बन चुका था, प्रेमियों ने लूट लिया। 2-4 दिन बाद एक सत्संगी संयोगवश टहलते टहलते उस बुढ़िया के बाग में पहुंचे। लड़का उस समय वहां नहीं था। उन्होंने बेर खरीदा और खाने लगे। बेर मीठे थे। उन्होंने कहा, मैया तुम्हारे बेर तो बड़े मीठे हैं, जय गुरुदेव बाबा को कभी नहीं खिलाए? इतना सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए। बोला कि मेरी माँ रोज कहती थी, बाबा कहते हैं कि शराब मत पियो तो तू छोड़ दे। मैं अपनी माँ से लड़ जाता था, लेकिन वह रोज़ शराब छोड़ने के लिए जिद करती थी। एक दिन मैंने कहा कि अगर ये बाबा सच्चे हैं और आज हमारी बेर अपने आप खा लेंगे तो मैं उनकी बात मान जाऊँगा और आज से शराब पीना छोड़ दूँगा।
तो बाबूजी, उस दिन हम दोनों माँ बेटे मन में सोच कर वहाँ गए थे। दिन बीत गया और बेर भी कोई खास नहीं बिकी थी। शाम को बाबा जी एकाएक आए और भाव पूछते हुए एक दो बेर निकाल कर चख लिए। मैं तो सन्न रह गया यह देखकर। उस दिन से हमने शराब पीना छोड़ दी। बाबा आदमी नहीं, साक्षात भगवान है। जय गुरुदेव।